इंडिया, आप कौन है? मैं इंडिया से आया हूँ घूमने के लिए यहाँ पे अफगानिस्तान में। इंडिया में ऐसा लोग नहीं आते, आप पाकिस्तान का इंडिया का नहीं है। मैं इंडिया से हूँ सर। इंडिया को नहीं, इंडिया की कौन सी जगह में? हिंदू लोग अच्छा मंदिर में रखते हैं। सही बात, एक साथ में मंदिर भी है वो अभी नहीं है, अभी भी है लेकिन वो खराब हो गया है। और यहाँ पे ट्रैवल करते टाइम आपको हर जगह तालिबान का झंडा दिख जाएगा, इतना लगाया हुआ है, जस्ट टू रियलिटी चेक देने के लिए कि आप कितना ही खुल के घूम रहे हो। इट इज़ रूल्ड बाय तालिबान। वेलकम टू माई चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। गाइस आज हमारा दूसरा दिन कंदहार में, द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन अफगानिस्तान, और ऑल्सो कंदहार इज़ नोन एज द रूट फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू द इंडिया। कंदहार से ही रास्ता जाता था हमारे इंडिया के लिए, जो आप लोग को स्टोरीज पता ही है, पर्शिया से इंडिया कनेक्ट करता था कंदहार शहर से। तो ये फिलहाल यहाँ पीछे देख सकते हो, हम लोग फिलहाल अभी आए हैं ओल्ड टाउन की तरफ कंदहार में, और आज एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हम लोग। आज यहाँ पे एक काफ़ी फेमस इंसान है जिनसे मिलाना चाहता हूँ। वो आई थिंक अफगानिस्तान के लास्ट हिंदू हैं जो अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान में रह रहे हैं, बट उनके पास हम जाएंगे ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करने के बाद। फ़िलहाल हम लोग हैं ओल्ड टाउन की तरफ, ये पूरा ओल्ड सिटी है कंदहार का, जहाँ पर आप लोग ये मडी जो घर हैं ये सारा देख सकते हो, मड ब्रिक्स अगर मैं समझाऊँ तो। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस प्लेस इन द वर्ल्ड आई थिंक, बहुत बहुत कम लोग को चांस मिलता है कंदहार शहर आके घूमने का, क्योंकि यार ये प्लेस, दिस प्लेस वॉज नॉट वेरी सेफ। और आई थिंक दो तीन साल पहले से ही ये कंदहार शहर में लोगों को आना अलाउड हुआ है, और लोग आना शुरू किए हैं कंदहार सिटी में। भाई साहब, अरे सलाम। यहाँ पे भाई, यहाँ पे पतंग उड़ा रहा है यार। सलाम खबर थी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यार, कंदहार शहर के गांव में। यार आई लव द चिल्ड्रेंस ऑफ अफगानिस्तान। सलाम। यार ये कितने क्यूरियस हो रहे हैं यार बच्चे, ये करके ये सोच रहे हैं यार ये बंदा कर क्या रहा है। ये तो ये भाई भी आ गया भागते भागते। गांव का नाम क्या है भाईजान? ये नारंज माणी नाम से जोर शाह। नारंज माणी ओल्ड टाउन, पुराना शहर राइट। बट ऑल्सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो द ओल्ड सिटाडल ऑफ कंदहार, जो कि फिलहाल अभी डिस्ट्रॉयड है। इसकी भी काफ़ी सारी हिस्ट्री है, बट आई थिंक वो आप लोग यार गूगल कर लेना, मैं ज़्यादा हिस्ट्री मैं समझाता नहीं वीडियोस में, क्योंकि या फिर लोग बोलते हैं बोर हो रहे हैं करके। तो ये इस दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन कंदहार, वेरी फेमस सिटाडल ऑफ कंदहार सिटी। सलाम। Oh, is it? Is he taking me home? Oh, wow, यार ये लोग अपने घर लेके जा रहे हैं यार। अरे बाप रे यार, अरे भाई यहाँ पे तो दावत चल रही लग रहा है यार। सलाम सलाम। यहाँ पे यार पता नहीं ये लोग मेरे को रैंडमली इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे। सलाम सलाम। वेडिंग? They are paying food for wedding. Wedding है? Okay. तो यहाँ पे किसी की शादी है बोल रहे हैं, और सारे यहाँ पे पूरा मतलब खाना वगैरह तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे देख सकते हो प्लेट वगैरह रखा हुआ है। बट ये भाई यहाँ पे लोकल हिंदी हिंदुस्तान। यहाँ पे यार काफ़ी हंसी मजाक हो रहा है यहाँ पे। कैन यू आस्क दिस पीपल, आर दिस पीपल कंदहारी? Yeah, they are Kandahar. Yes. Can you ask them how is life in Kandahar for them? Jivan Singh Deep Kandahar. Shukr Alhamdulillah bhai. They said good. Shukr. Okay. We are happy. Happy from Allah. Yes. तो ये जो टाउन है, जो ओल्ड टाउन है कंदहार का, ये मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट शहर है कंदहार का। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट सिटी ऑफ कंदहार, उसके बाद फिर पूरा एक्सपेंड हुआ है, इसलिए पूरा आप माहौल देख सकते हो यहाँ पे, पूरा मतलब ओल्ड वाली वाइब आ रही है यहाँ पे, इंक्लूडिंग दिस बिग सिटाडल व्हिच इज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड नाउ। क्या एरिया का नाम क्या है भाईजान? 400 है। 400?
तो ये एरिया का नाम 400 बोल रहे हैं यहाँ पे वालिद भाई, और ये कंदाहार में यहाँ पे बोल रहे हैं भाईजान कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सिख लोगों की पॉपुलेशन है, और यहाँ पे हम फिलहाल अभी जो यहाँ पे लास्ट हिंदू हैं जो उनसे मिलने जा रहे हैं, अभी देखते हैं उनका घर, अभी ढूंढते हैं अभी एग्जैक्टली पता नहीं, पूछ पूछ के देखना पड़ेगा। यस यस वी तालिबान कम टू टेक ओवर दिस सो दे आर लिफ्ट दिस अफगानिस्तान गो टू इंडिया ओके यू नो बट मोस्ट ऑफ द हिंदूज दे यूज्ड टू लिव इन दिस हाउसेस नाउ दिस बिलोंग टू यस टू इंडियंस इंडियंस या यस आई डोंट थिंक दे आर इंडियंस दे आर अफगान्स बट मे बी दे आर हिंदूज यस या तो ये वाला एरिया बोल रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे हिंदूज और सिख्स रहा करते थे, जो फिलहाल देख सकते हो आप लोग ये घर जो फिलहाल यहाँ पे लोग छोड़ के चले गए हैं तालिबान के आने के बाद। दिस शॉपर बिलोंग टू वन सिख सिख ओके ही मेड दिस एंड जलेबी इज ऑल ऑफ दिस ओह वाओ वाओ वेयर कैन यू आस्क वेयर इज द सिख नाउ अगर सिख वाज हियर दे واو هغه چیش نمیدی خصوصا زمین هغه شام پوله اوس تک نسته तो ये फिलहाल देख सकते हो मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं कि ये वाला दुकान एक कोई सिख चलाते थे, और ये सारा जितना भी मिठाई देख सकते हो ये शायद ये सारा कुछ उन्हीं का रेसिपी है बोल रहे हैं, और ये सारा चीज़ जो लोग बनाते वो बनाते थे, और फिलहाल वो छोड़ के चले गए कंट्री अभी, पर यहाँ पर फिलहाल एक बच्चा बैठा हुआ है। ये सारे आर्किटेक्चर देख सकते हो गाइस आप लोग, इतना पुराना बिल्डिंग लग रहा है ये, और देख सकते हो हर जगह आप लोग ये मडी ब्रिक्स जो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। दिस होम बिलोंग्स टू हिंदू दिस होम आल्सो बिलोंग टू हिंदू यस यस आर दे व्हाट वी सेड सीलिंग सीलिंग ऑल ऑफ दे मेड फ्रॉम ओन ओन यस ओके ओके एंड ऑल ऑफ दिस कंदाहार दिस टाइप ऑफ होम दे बिलोंग टू हिंदू ओके तो फिलहाल देख सकते हो भाई ये सारा बोल रहे हैं सारा जितना भी स्टाइल है घर का ये सारा हिंदू का घर है जो फिलहाल बट नाउ इट्स एम्प्टी राइट नाउ नोबडी इज हियर ऑल दे लिफ्ट देयर होम्स एंड सम ऑफ दे सेल आवर होम टू मीन कंदारियन ओके दे सेल यस यस एंड सम ऑफ दे लिफ्ट एंड दे हैव ऑल लेसंस ऑफ दिस होम जस्ट दे लिफ्ट तो ये फिलहाल है गाइस एरिया जहां पे यार हमारे हिंदूज और सिख्स रहते थे। भाई पहले बोल रहे थे कि इंडियन बट मैंने बोला कि नहीं इंडियन नहीं है यार वो अफगानी है। सलाम सलाम ठीक हो याद है सब ठीक सब ठीक मजे मजे में सब मजे में क्या सर ठीक ठाक है सब ठीक ठाक है मैं इंडिया से इंडिया से इंडिया जिंदाबाद यहाँ पे जो हिंदूज और सिख लोग थे वो लोग धर्मशाला है ये धर्मशाला यही है अच्छा ओके सो दिस इज अ टेंपल सब गरमसाल है देखो दरवाजा नहीं है सब दरवाजे जो है अच्छा सब का दरवाजा है अच्छा अभी कोई यहाँ पे हिंदू है हिंदू तो है शाम को आएगा लाला शाम को आएगा लाला है वो आएगा शाम को अच्छा दो तीन चार पाँच दाने इधर ही है सबको उसको बता के देखो ना अच्छा सेफ सेफ का हो वेरी गुड इंडिया जिंदाबाद क्रिकेट जिंदाबाद हमारे दोस्त 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 है तो ये यहाँ पे पीछे एक धर्मशाला है बोल रहे थे भाई अभी जिससे बात करा पर वो लोग अभी फिलहाल है नहीं यहाँ पे, वो बोल रहे थे कि शाम को आएंगे वो लोग तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग ट्राई करेंगे शाम को फिर से ये वाले एरिया में आने के लिए, और अगर कोई मिल जाते हैं हमको यहाँ पे हिंदूज तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा गाइस। पर बोल रहे थे कि यहाँ पे रहते हैं अभी फिलहाल थोड़े बहुत बट अभी फ़िलहाल नहीं है वो शाम को आएंगे। दूसरा दिन हमारा कंदाहार में लास्ट डे हम गए थे जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं पे लोकल्स बता रहे थे जिनसे शायद हम मिलने की कोशिश करेंगे देखने कैसे रहता है। आज भाई हमारा मेरा आप कपड़े ही देख सकते हो अलग पहना हुआ है मैंने क्योंकि ये मैंने मेरे दोस्त से लिया है जो वालिद भाई थे। आप कौन है? मैं इंडिया से आया हूँ घूमने के लिए यहाँ पे अफगानिस्तान में। हाँ तो यहाँ पे अफगानिस्तान में इंडिया में किधर है कहाँ है इंडिया में इंडिया में कहाँ है मतलब? इंडिया में ऐसा लोग नहीं आ जाए पाकिस्तान का इंडिया का नहीं है मैं इंडिया से हूँ सर इंडिया को नहीं इंडिया की कौन सी जगह में नहीं तो बंगाली बोलो क्या बताऊँ क्यों होना छो अपनी नहीं ये पाकिस्तान
पासवर्ड बताओ पता लग गया। ये धर्मशाला है सर, ये गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा है यहाँ पे? कोई सिख लोग है अभी? कोई भी नहीं है। अच्छा, हम तो है खोस के है ना। आप खोस के हो? हाँ, ये दो बंदे जो लबाद के है। अच्छा, एक बंदा वो ये दो दो तीन बंदे के नारी है। अच्छा, एक वो मनीषर यानी मनी क्रामडा वो चौक में काम करते हैं प्रकाश। फिर चलो डॉक्टर साहब को जाते हैं, डॉक्टर भाई पर वो भी हिंदू है। अच्छा। डॉक्टर अच्छा उसके साथ जाएगा, उसे बात कर देंगे, फिर मतलब मुश्किल नहीं है, चलो आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आपका नाम सर? मेरा नाम है इंद्रदास। इंद्रदास, अच्छा अच्छा। कितने साल से हो सर आप अफगानिस्तान में? उम्र है सारा गहदार इधर है सब कुछ। अच्छा अच्छा, हम इधर कही है। अच्छा, आप इधर गए हो? हाँ। कितने कितना जनरेशन आपका इधर? इंडिया में फैमिली? इंडिया में है? हाँ। इधर इंडिया में? दिल्ली में। दिल्ली में, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इंद्रनाथ आपका नाम? इंद्रदास। इंद्रदास, अच्छा। हम तो सारा परिवार दास दास। सही। तो यहाँ पे इंद्रदास सर जी मिल गए यहाँ पे गुरुद्वारा में, बोल एक रहे हैं। डॉक्टर है, पुराना डॉक्टर है। अच्छा, पुराना डॉक्टर है। इनका नाम रघुनाथ? रघुनाथ नहीं, मैंने सुना है इनके बारे में, काफी मशहूर डॉक्टर है। बहुत मशहूर डॉक्टर। तो आप पंजाबी बोल लेते हो? नहीं नहीं, हमारा पश्तो है, पठान है। पठान है हमारा लैंग्वेज, पश्तो। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे इंद्रदास सर जी मेरे को यहाँ पे डॉक्टर रघुनाथ जो मैं इसके बारे में बता रहा था आपको, उनसे मेरे को मिलवाने लेके जा रहे हैं। बस ठीक है, हम लोग तो बस एक ही जुबान वाला है, पठान है सारा, एक सही है जुबान ही क्या, लैंग्वेज है क्या। हाँ जी हाँ जी। अभी कैसा माहौल है सर कंधार में? है जी, अभी ठीक है, पहले से अभी ठीक है। पहले से ठीक है अभी? अभी कोई अभी ये वाला है। तो यहाँ पे यार ये रघुनाथ जी जो डॉक्टर साहब है उनसे मिलवाने लेके जा रहे हैं। ये भाई जी सिख है बोल रहे हैं और रघुनाथ जी हिंदू हैं। डॉक्टर साहब राम राम जी, दादा गणा रगली कलकत्ते में, इतो देर में शोर डॉक्टर हम जाए ना हिंदुस्तान कलकत्ते में जाकर तो बेगा खाता नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो सर आप? नमस्ते सर। तो ये एरिया में पहले कितने सारा हिंदू का था? हिंदू लोग का था। अच्छा, सारा बाजार। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे अकेले रहते हैं सर जी? हम बस। अच्छा, अकेले नहीं, तीन चार बंदे। अच्छा, एक तो खला आपने देखा था? हाँ, वो गया है। गुरुद्वारे जाएंगे? हाँ, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। रघुनाथ जी से मिला मैं, और काफ़ी ओल्ड थे तो आई थिंक उनसे मैंने ज़्यादा कैमरा रख के बात करना प्रेफर करा, और वो शायद कैमरा में कंफर्टेबल थे भी नहीं। गुरुद्वारा है सर जी ये? अच्छा, तो ये गुरुद्वारा है बोल रहे हैं यहाँ पे, पर ये बाहर से ये पुराने दरवाजे हैं देखो। अच्छा, पुराने दरवाजे हैं। कितने साल पुराना होगा सर जी ये गुरुद्वारा? डॉक्टर को पता है ना, ये किरदार गए वो, हम तो दूसरी जगह हम खोज से आए हैं ना। अच्छा, ये बाजी काम शुरू है, कुआं निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी दरबार साहब नहीं है, ले गया है ना। अच्छा, कहाँ ले गए? इंडिया ले गए। इंडिया ले गए? अभी अभी रिसेंटली लेके गए क्या? अभी अभी लेके गए या फिर थोड़ा टाइम हो गया? हो गया तो अभी अभी। अच्छा, अभी अभी। तो यहाँ पे पहले गुरुद्वारा हुआ करता था? हाँ ही, गुरुद्वारा मैं बता दूंगा, गुरुद्वारा शादी लाया है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, झंडा देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। बाहर से दिख नहीं रहा था ये झंडा, बट अंदर आने के बाद फिर यहाँ पे देखने को मिला यहाँ पे गुरुद्वारा का झंडा। सो दिस इज द फ्लैग ऑफ सिख, the Sikh people, yeah, you see, yeah, this is the flag of that. यहाँ पे शायद गुरु ग्रंथ जी थे। हाँ, ये तो इधर का ना। अच्छा, नीचे भी है ना दो मंदिर। अच्छा, नीचे भी है। अच्छा, मैं वो तो सामान रखे कुछ है नहीं, दे ये धर्मशाला घर है, मेवा देखा दादी धर्मशाला मेवा दे दादा मान देता वर्क बहुत बहुत भाई युवा दाना ने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये प्रसाद है? प्रसाद है, ये श्राद है, श्राद शुरू है ना। अच्छा, मंदिर में रखते हैं। सही बात, एक साथ में मंदिर भी है वो अभी नहीं है, अभी अभी भी है लेकिन वो खराब हो गया है। कंधार में ही है?
अच्छा अच्छा कोई इशू नहीं, बस इधर मेरा जिंदगी है। अच्छा आप यहाँ अकेले रहते हो सर? नहीं, 4-5 बंदे और रहते हैं। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये फिलहाल देख सकते हो गाइस, ये है यहाँ पे गुरुद्वारा कंधार का। तो फिलहाल अब यहाँ पे हालत देख सकते हो आप लोग, कोई भी नहीं है यहाँ पे कुछ। आई थिंक इंद्रनाथ जी शायद आखिरी सिख है और रघुनाथ जी शायद यहाँ पे आखिरी हिंदू है जो फिलहाल यहाँ पे रह रहे हैं। ये देख सकते हो भाई, पूरा आप दरवाज़ा देख के समझ सकते हो कितना पुराना। यानी 25 साल से हम तो कारोबार करते हैं, ये गुरुद्वारा था 25 साल से जो मैं काम करता हूं। शायद 25 साल से और भी। 25 साल पहले कितने सिख और हिंदू थे यहाँ पे? यानी थे कम से कम 50-60 घर थे। अच्छा इधर लंगर था। अच्छा ये पूरा जो रोड है सारे सिख और हिंदू लोगों के थे। 25 साल नहीं, 10 साल पहले 40-50 घर थे। वो तो रास्ते, रात के रास्ते पे जाते हैं तो आ जाएगा ग्रीस, आ जाएगा ग्रीस के पैर, लश्करगाह, लश्करगाह में भी 50 घर थे। अच्छा ये देख सकते हो भाई, ये है एंट्रेंस गुरुद्वारा का। वाह यार, इसको निकलने के लिए झुकना पड़ रहा है। I asked why you are leaving Afghan. Okay. But you are Afghan, but in religion you are Hindu. Uh-huh. So he said, no, that's not an issue. Okay. Yes, in the past all people were same. Uh-huh. There was not any issue. Yeah. That he is Shia, or he is a Hindu, he is Muslim, all were same. Mm-hmm. But from that time that Russian, mm-hmm. you know, attacked by Afghanistan, mm-hmm. so then that time, from that time, then now, all people are leaving. ये थे भाई यहाँ पे रघुनाथ जी और इंद्रनाथ दास जी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। बता रहे थे कि 10 साल पहले कुछ अराउंड 50 घर थे। ये पूरा एरिया जितना भी देख सकते हो आप लोग, सारे ज्वेलरी शॉप देख सकते हो, ये भी सारे हिंदू और सिख्स के थे बोल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल 10 साल पहले 10 घर थे बोल रहे थे, अभी फ़िलहाल बस शायद 10 लोग भी नहीं हैं। और यहाँ पर ट्रैवल करते टाइम आपको हर जगह तालिबान का झंडा दिख जाएगा, इतना लगाया हुआ है, जस्ट टू रियलिटी चेक देने के लिए कि आप कितना ही खुल के घूम रहे हो। इट इज़ रूल्ड बाय तालिबान गवर्नमेंट। गाइस टुवर्ड्स द एंड एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये वीडियो में मैंने सबका कंसेंट लेके वीडियो बनाया है। फिर बाद में फिर आप लोग बोलोगे यार फिर आप इनके वीडियोस बना रहे हो, फिर बाद में इनको कोई खतरा ना हो जाए। बट द थिंग इज़ गाइस, जिनके भी मैंने वीडियोस बनाए, रघुनाथ जी, डॉक्टर रघुनाथ जी जिसके बारे में मैंने बताया वीडियो में, और जो इंद्रदास जी थे, वो काफ़ी मशहूर लोग हैं यहाँ पे कंधार में। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया दिखा रहा हूँ, कंधार और अफगानिस्तान लोगों के लिए काफ़ी नॉर्मल है ये चीज़, और ऐसा कुछ अलग इनके लिए नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसा कोई ऐसा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली ये वीडियो से, तो प्लीज़ वो तो आप लोग मत सोचना। एंड टू बी ऑनेस्ट, रघुनाथ जी आई थिंक कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए वो उन्होंने बोला था कैमरा बंद कर दो आप, और हमने बिना कैमरा के काफ़ी सारी चीज़ें बात करें। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन, सही बता रहा हूँ, इतना प्यार से बातचीत करा उन्होंने, इतने सारे खाने और चीज़ें ऑफर करें उन्होंने। गाइस मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम कंधार, आई थिंक वन ऑफ माई क्रेजियस एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एंड प्रोबेबली समथिंग जो मैं काफ़ी टाइम तक याद रखूँगा। तो यहाँ से मैं कंधार से निकलने वाला हूँ गाइज हेरात के लिए यहाँ से नेक्स्ट, एंड फ्रॉम देयर आई विल कीप यू अपडेटेड कि क्या है प्लान आगे का। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट करना व्यूज़ क्या आपको कैसा लगा, और शेयर करना गाइज। अंटिल देन खुश रहिए, अपने आस पास के लोग खुश करिए, एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली फ्रॉम हेरात।